Brought to you by Techno Camon 30 series. चुनाव के बाद मतगणना के दिन भी लोगों का एक बार फिर भरोसा बिहार तक पर है और काफी संख्या में बड़े स्क्रीन पर बिहार तक लोग देख रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं चुनाव का। आम लोकसभा चुनाव का काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही देरों पोस्टल बैलेट का की जानकारी दर्शकों को मिल जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग बिहार तक देख रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद हैं। आप तो एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल आ गए, तो आधे घंटे का मामला है, आधे घंटे में सारा रुझान आना शुरू हो जाएगा। अभी तो बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, अभी उसका रुझान आया नहीं है। अब देखिए आधे घंटे में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ तक मुजफ्फरपुर का बात है तो मुजफ्फरपुर बहुत कड़ा मुकाबला है, चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनावी फाइट तो टाइट है, इसमें कहीं से दूरा नहीं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट कुछ ना कुछ बता रही है, आप निश्चिंत लग रहे हैं। देखिए जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया है उसे काफी पॉजिटिव हम लोग हैं, और एक विधानसभा मुजफ्फरपुर छोड़ के कहीं भी माइनस में जाने का कोई प्रश्न नहीं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो औराई कटरा सब जगह पांचों विधानसभा में अच्छे खासे वोट से लीड करेंगे और अच्छा सम्मान पूर्वक जीत खाते। मतलब रिकॉर्ड का अंतर, जीत का अंतर नहीं, रिकॉर्ड नहीं रहेगा लेकिन सम्मानजनक भी रहेगा, जीत का निश्चिंत है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद है जो मुस्कुरा रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल के पास लगातार अपडेट ले रहे हैं और अपने जीत का दावा भी किया है कि मुजफ्फरपुर से निश्चित रूप से जीत होगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा चुनावी नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल बिहार तक पर आप देख सकते हैं, बिहार तक पर लगातार दर्शकों का भरोसा बना हुआ है, लोग देख रहे हैं और चुनाव के दिन भी बड़े बड़े स्क्रीन पर लगा करके लोग बिहार तक दे, ताकि चुनावी अपडेट सबसे पहले बिहार तक मिला। मुजफ्फरपुर से भी चुनावी अपडेट सबसे पहले आपको बताएंगे। बिहार तक पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट की जो रुझान है वो आ जाएंगे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।